अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ तेरा कह रहे जॉब चैनल की जानब से। दोस्तों आज एक अफसोसनाक वाकया हुआ है मुजफ्फरगढ़ तहसील जतोई मौजा खलेती में। पीफ से मुंसलिक जो स्कूल हैं उन लोगों ने छुट्टी दे दी बारिश की वजह से, पहले वक्त से पहले छुट्टी दे दी। जब बारिश हो रही थी उसी वक्त छुट्टी दे दी। तो दोस्तों उसी वक्त छुट्टी देने का नतीजा ये निकला कि दो बच्चों की जान ले गया। आप देख सकते हैं ये, और इस वीडियो को मैं भी प्ले करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। और इस तरह से ये भी एक व्यू है, तो दो बच्चों की जान ले गया। दोस्तों ये किसका कसूर है? सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा मैं अगर कहूँ तो ये कसूर सिर्फ़ और सिर्फ जो है फाउंडेशन स्कूलों का है। अगर वो वक्त से पहले छुट्टी ना देते, भाई बारिश आ गई है तो क्या हुआ? बारिश आ गई है तो ये इसका मतलब ये तो नहीं आप बच्चों को बाहर भगा दें जी जाएं। आपने जिम्मेवारी ली है, उस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाएं, आपका हक बनता है। आपने छुट्टी पहले दे दी है, क्यों? बारिश की वजह से। बारिश की वजह से अगर छुट्टी दी है तो बच्चों को कंट्रोल में रखें, वहाँ पे आपके पास रूम्स हैं उनके अंदर बिठाएं, जब बारिश थम जाए उसके बाद छुट्टी दे दें जब छुट्टी का टाइम हो। दोस्तों ये सबसे मैंने अपनी आंखों से देखा, काफ़ी बच्चे छोटे थे, 5 साल की बच्ची थी, वो गिर भी रही थी, अकेली जा भी रही थी घर को, और बार बार गिर रही थी। दोस्तों मैं बहुत अपसेट था कि मैं पता नहीं उसके, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। दोस्तों बारिश हो रही थी तेज़ ऊपर से। दोस्तों इस तरह के वाकयात तो होंगे फिर अगर नहीं रुकेंगे तो ये लोग, तो ये पूरा का पूरा फाउंडेशन का कसूर है। इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम जाता है कि इन लोगों ने ये सब कुछ किया है। इन दोनों बच्चों की जान के दुश्मन भी यही लोग हैं, ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं आजकल। दोस्तों आज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करो, ये आपका हक बनेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आज इनके बच्चे वो आसमानी बिजली का शिकार हो गए हैं बेचारे, और कल आपके बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये असूल इनका चलता रहा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों ये उसी वक्त छुट्टी दे देते हैं, इसका क्या मतलब है? दोस्तों अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि ये उन लोगों तक वीडियो पहुंचे जो इस के लिए, इस काम के लिए, इस अमल को रोक सकें। आई होप आपको पसंद आएगी। दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।